आपको बताना चाहता हूं कि विगत दिनों नवादा में जिस प्रकार से सड़क दुर्घटना हमेशा होते रहता है, बहुत ही दुखनीय की बात है। जैसे ही सूचना नवादा जिला के बेटा का गुंजन सिंह को यह सूचना मिलता है, अपने आप को वो रोक नहीं पाते हैं और घटना स्थल पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव में पहुंच जाते हैं। एक चीज मैं बता देता हूं कि नवादा जिला में जिस प्रकार से अभी सड़क दुर्घटना में बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट में घटना स्थल पर जिनकी मृत्यु हुई है, हरेक के परिवार से मिलने के लिए, सुख दुख में साथ देने के लिए गुंजन सिंह जी हमेशा खड़ा रहते हैं। भैया, आपके क्षेत्र में हमेशा लगातार इस प्रकार का घटना हो रहा है, क्या करना चाहिएगा? बहुत दुखद घटना है। जब सुने ये कि हमारे पास कोई फोटो भी भेजा था व्हाट्सएप पे, बहुत मतलब खून से लथपथ था फोटो, हम देखे तो बड़ा दुख हुआ। हम दिल्ली में थे तो फिर वहाँ से जल्दी से आए और आज आए यहाँ पे, इनके साथ हैं, आप सबके साथ में हैं दुख की घड़ी में, और भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। और बाकी आप लोग के साथ हैं, हम सब परिवार हैं, हम लोग को मिलजुल कर रहना है। अब तो जो हो गया, अब जो है उसके बारे में सोचना है। अब जो हो गया, कितना लड़का आपका है? दो लड़का। दो लड़का, सबसे छोटा था? नहीं, वो सबसे बड़ा था। अच्छा, आप कौन है? हम उसका पापा। अच्छा, पिताजी हैं। और माता जी उनका? अच्छा, नीचे है। अच्छा, सबसे दुख की बात ये है कि दो भाई था और छोटा भाई का अचानक चला जाना पूरे घर में सबसे बड़ी दुखद की घटना। बड़ा भाई गया। लेकिन बड़ा भाई गया, बड़ा भाई गया। अच्छा, दो भाई था? दो भाई था। अच्छा अच्छा, एक चीज बताइएगा, आप लोग ग्रामीण हैं, कैसे सूचना आप लोग को मिला? जब मेरा नाम तो विकास पांडे है, मैं इसी गाँव में रहता हूँ। सुबह सुबह में हम लोग को पता चला बेचारे का बहुत हादसा हो गया है, और यह एक्सीडेंट जो होता है इस पर सरकार भी कोई इस पर पहल नहीं करते हैं। और जैसा हमदर्दी आज गुंजन सिंह दिखा रहे हैं हम लोगों के बीच, ठीक उसी तरह हमदर्दी हम सरकार को भी दिखाना चाहिए था। ये बेचारा को इतना दुखद घटना हुआ, इसका सूचना सरकार को भी मिला होगा। गुंजन सिंह को कैसे मिला ये आगे, और लोगों को क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं आए एमपी विधायक, दुनियादारी सब लोग बैठे हैं, इस गरीब का हालत को देखने वाला कोई नहीं है। यह बंजर जगह में हम लोग बसे हुए हैं, एक तो भगवान भी हम लोग को दुख दे रहा है, ऊपर से हमारे साथ ये अचानक घटना भी घट रहा है। अच्छा, तो मतलब जैसे ही सूचना मिला गुंजन सिंह जी को, वो यहाँ पे आए हैं, तो मतलब क्या करना चाहिएगा? बहुत इनको तो बहुत हम लोग अंदर दिल से आशीर्वाद भी देंगे हम ब्राह्मण होकर के, और साथ साथ इस गांव की तरफ से भी कहेंगे कि पहला व्यक्ति आप ये हैं जो हमारे बीच आए हैं इस दुखद घटना में। भैया, जो बच्चा एक्सीडेंट में मतलब डेट किया, उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए? परिवार के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और ईश्वर आत्मा को शांति दे। बाकी इनके पिताजी हैं, लड़कावा के नाम का रहे दीपक, आपका नाम? मनोज यादव। इनके मतलब मनोज यादव जी के जो बच्चे हुए, अभी एक बच्चा आपका कहाँ है? अच्छा, आ जाओ इधर, आ जाओ बाबू इधर आ जाओ, यही बच्चा। अरे हाँ, हमको फोटो भेजा है कोई मेरे। एक चीज मैं आपको अभी बता देता हूँ कि विगत दिनों जिस प्रकार से नवादा जिला में सड़क हादसा बढ़ गया है, और पूरे भारत में अभी 30-25% लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, इसका ये हालत होता कि कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है जो कि इस प्रकार से रोड बनता है, और कहीं ना कहीं बहुत जगह इंजीनियर और सरकार की भी लापरवाही है जिस कारण से लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार हो रहे हैं। लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ग्राम नावाडी में भोजपुरी के सुपरस्टार गुंजन सिंह जी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए घटना स्थल पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब ये बात गुंजन सिंह तक पहुंच सकती है तो नवादा के आसपास के जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र के नेता विधायक है, उनको ये सूचना कैसे नहीं मिला होगा। अगर जब गुंजन सिंह जी हमारे पास आ सकते हैं तो हमारे क्षेत्र के जो नेता विधायक सांसद मंत्री है, वो इस घटना स्थल पर क्यों नहीं आए? जब इलेक्शन चुनाव का बारी आता है तो एक से एक पूरे गांव नहीं, एक के घर पे जाते हैं और वहां से वोट मांगते हैं। लेकिन जब किसी के घर में इस प्रकार का जब विपत आता है, दुख की घड़ी आता है, तो वहां पे देखने के लिए कोई नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि नवादा जिला में जो कि किसी भी प्रकार का कहीं भी घटना होता है, सबसे पहले दुख में शामिल होते हैं। आपके ये बताइए, मतलब लड़का का शादी हुआ था कि नहीं? नहीं नहीं हुआ था। अच्छा, कितना उम्र कितना था उसका? 19 साल उम्र था। अच्छा, आखिरी बात मतलब आपसे कब हुआ था उसका? आखिरी बात 7 बजे हुआ था, उसी शाम। अच्छा,
आखिरी बात मतलब शाम को हुआ था, जिस दिन डेट किया उसके एक दिन पहले हुआ था कि उसी दिन? नहीं, एक दिन पहले, शाम एक दिन पहले हुआ था। बहुत ही दुखद घटना की बात है और पूरे परिवार देख सकते हैं, उनके पिताजी हैं और ये दादी हैं और ये छोटा भाई है, और भाई में ये दो भाई था लेकिन अब अकेले हो गया है। दुख की बात है कि हमेशा बड़ा भाई का साया हमेशा छोटे भाई के ऊपर रहता है, अगर कुछ भाई गलत भी करता है तो उसके लिए बड़ा भाई का एक हमेशा प्यार रहता है। लेकिन बाबू तुम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, तुम्हारे लिए भैया साथ हैं और हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगा पूरे गाँव वासी और हमेशा भैया तुम्हारे साथ रहेंगे। भैया क्या कहिएगा बाबू के लिए? अरे एकदम, इसका तो फोटो, उसका भी फोटो देखे अभी, कितना एकदम स्मार्ट बच्चा था। और चाची आपका मतलब, चाची पहले चुप रहिए, आप काहे रो रहे हैं जो बताइए, जो हो गया लौट के नहीं आएगा, चाची काहे रो रहे हैं? आपके लिए देखिए गुंजन सिंह जी आए हैं, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए यहाँ पे खड़ा है और हमेशा आपके साथ है, आप रोइए मत दादी, ठीक है ना, मत रोइए, हमेशा जितना दिन तक लिखा हुआ था उतना दिन आपके साथ रहे। बाकी आपका पोता देखिए आपके पास आ गए और हमेशा आपके पास रहेंगे, मत रोइए दादी, रोइए मत, आपके साथ है और हमेशा रहेंगे आपके साथ, जब भी जरूरत पड़ेगा गुंजन सिंह जी को आप याद कीजिएगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे। अब रोइए मत दादी, रोइए मत, देख सकते हैं कि इस प्रकार से मतलब मामा हैं, दादी हैं और बिलख बिलख के अपने पोते के लिए रो रहे हैं। लेकिन किसी भी सरकार को, किसी भी नेता विधायक को इनके ऊपर ममता नहीं आ सकता, इनके परिवार के ऊपर ममता नहीं आ सकता। अगर कोई खड़ा रहने का काम किया है ना गरीब के साथ, एक इंसान के साथ, तो वो नवादा का लाल, भोजपुरी के सुपर स्टार गुंजन सिंह जी है, जो की हमेशा एक एक आदमी के साथ खड़ा रहने का काम करते हैं और हमेशा गरीबों के बीच में जाके हमेशा उनके साथ खड़ा रहने का काम करते हैं। जब भी किसी प्रकार का कोई मुसीबत आता है ना, हमेशा कहीं भी रहते हैं, जैसे ही इनको सूचना मिलता है ना घटना स्थल पे हमेशा पहुंचते हैं और पीड़ित परिवार को संतावना देते हैं। पूरे यहाँ पे देख सकते हैं कि आसपास के जितने भी गाँव के लोग है सब यहाँ पे इसलिए उपस्थित है क्योंकि इस गाँव का एक बच्चा हम सब के बीच में नहीं रहा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, जय हिंद।